हेलो स्टूडेंट्स, सेट के इस टॉपिक में आज हम फाइनाइट सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टू और मोर देन टू जब हमारे पास सेट्स होंगे तो उन सेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स होंगे उसको आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जॉइंट सेट की। जॉइंट सेट कौन से होते हैं और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। जॉइंट सेट्स और डिसजॉइंट सेट। जॉइंट और डिसजॉइंट सेट की जब अपन बात करेंगे तो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टू सेट्स की। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ऐसे ही इसके अंदर ये सेट ए और ये सेट बी। तो आप देख पा रहे होंगे जो सर्कल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे हैं वो पोर्शन हमारे पास ये है। इसका मतलब इन दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले कि हमारे पास टू सेट्स हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में आज के वीडियो में सिर्फ टू सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी टू सेट्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास क्या है, 3 4 5। तो आप यहाँ पे देखें दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं, देयरफॉर ए एंड बी आर जॉइंट सेट। ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, जॉइंट सेट, ठीक है। जॉइंट सेट का मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देयरफॉर ए एंड बी कैसे हैं, जॉइंट सेट है। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 3, बी हमारे पास क्या है, ए बी सी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 5। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट्स। तो जब कुछ कॉमन होगा टू सेट्स के बिटवीन तो जॉइंट सेट होंगे, जब कुछ कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दोनों के अंदर, तो ऐसे सेट्स हमारे पास कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या होंगे, डिस जॉइंट सेट होंगे, ओके। अब यहां पे आप देखें, अब हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ जॉइंट सेट की। पहले किसकी बात करेंगे, जॉइंट सेट के लिए, जॉइंट सेट्स ए एंड बी। किसकी बात करेंगे हम, फॉर जॉइंट सेट ए एंड बी के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये ए और ये बी, ए सेट बी सेट, ठीक है। और ये जो कॉमन एरिया है ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि सेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, या ओनली ए के अंदर, या ओनली बी के अंदर, ठीक है, या ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एन ऑफ ए यूनियन बी। किसकी बात करते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब आप इसको आप अच्छे से समझें इसको, कि हमारे पास ए यूनियन बी जब करेंगे आपको पता है कि दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
एन ऑफ ए यूनियन बी, बट यहाँ पे आप देखें जो कॉमन पोर्शन है वो ए में भी है और बी के अंदर भी है, दोनों सेट्स के अंदर है ना, तो इसका मतलब यूनियन में हमारे पास जब आएगा तो दो बार काउंट हो गया, और एलिमेंट हमेशा एक ही बार काउंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ए ले लेंगे और एन ऑफ बी, यानी किसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों का प्लस कर दिया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसको अच्छे से समझ लें कि जब हमें ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स चाहिए तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके, एन ऑफ ए यूनियन बी के। तो ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखें। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं हम यहां पे, ए के अंदर हमारे एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर हमारे एलिमेंट है 3 4 5, तो आप मेरे को ये बता दें एन ऑफ ए कितना है यहां पे, 3, एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, 3, तीन ही एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी, ए यूनियन बी की, तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो दोनों साथ आएंगे, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दो बार नहीं लेना, एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना एलिमेंट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, दोनों में से कॉमन क्या है, 3, कितने एलिमेंट है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी 1 है ना, तो आप देखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो हमारे पास कितना हो गया, 6 माइनस 1, कितना हो गया, 5। अब ये 5 वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और 5 कौन है, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब भी हमें एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी दोनों को प्लस करके माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए किसके, एन ऑफ ए यूनियन बी के, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब कई बार हमें एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन होता है, क्या गिवन होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी और हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसको राइट हैंड साइड में, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यहां से हमें क्या चाहिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट साइड में और ये किस में चला गया, राइट साइड में, तो हमारे पास आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, और जब यूनियन फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके सेकेंड पार्ट में, हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें, उसमें हमसे पूछा जा रहा है एन ऑफ ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मेरे को आप ये बताएं कि ये हमारे पास क्या है, ए सेट है, इसके कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हैं, और ए माइनस बी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ओनली एंड ओनली ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, इस साइड वाला, ये एलिमेंट चाहिए बस हमें, कौन से एलिमेंट चाहिए, ओनली ये एलिमेंट चाहिए। तो जब ये एलिमेंट हमें चाहिए तो आपको पता है एन ऑफ ए ये पूरा हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ये एन ऑफ ए, इसमें से किसको माइनस कर दें, इस पोर्शन को माइनस कर दें, इसके एलिमेंट्स को, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एन ऑफ ए माइनस बी का। यानी ओनली ए के एलिमेंट चाहिए, बी के एलिमेंट चाहिए ही नहीं, ए माइनस बी का मतलब तो यही है। अब ये चाहिए तो ये कैसे आएगा, टोटल एलिमेंट कितने, ए के, एन ऑफ ए, इसमें से किसको माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ये जो कॉमन एरिया है इसको अपन यहाँ से, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको एन ऑफ ए में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे ही एन ऑफ बी माइनस ए करना है, तो आपको कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए बस। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं बी में से किसको माइनस करना है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी में से किसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एन ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली ए और बी के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स नहीं चाहिए, किसके एलिमेंट चाहिए, ए और बी के एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना दोनों का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड में एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए, दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएंगे ओनली ए और ओनली बी। सिर्फ ए जिसके अंदर कौन पार्ट नहीं है, बी का, और बी जिसमें ए का पार्ट नहीं है, किसके इक्वल आएंगे, एन ऑफ ए माइनस बी और प्लस एन ऑफ बी माइनस ए के। और अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तो कितना हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, ओनली ए एंड बी के अंदर। तो दोनों में से क्या कर देंगे, कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे, ए में से भी हटा देंगे और बी में से भी हटा देंगे, तो डबल टाइम्स हो गए ना, तो माइनस टू इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से माइनस हो जाएंगे। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इफ एन ऑफ ए, हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी हमारे पास 6 एलिमेंट है, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देयरफॉर हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ से, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर में फाइंड करना है एन ऑफ ए माइनस बी, अभी डिस्कस किया था एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 12 माइनस 2, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे फाइंड कर लेंगे अब, एन ऑफ बी माइनस ए, तो इसमें कितना आएगा, एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी कितना है 6 और ये 2, तो ये कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 आ गए एन ऑफ बी माइनस ए के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको। अब थर्ड जो हमारे पास था वो क्या था, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो कितना आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, एन ऑफ ए कितना है 12, ये कितना है 6 और ये हमारे पास 2 इंटू 2, तो ये 18 माइनस 4 यानी 14 एलिमेंट्स आएंगे जो ओनली ए में होंगे या फिर बी में होंगे। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन ले लेते हैं,
क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, यही गिवन है हमें, ठीक है, और यहाँ पे हमें एन ऑफ ए यूनियन बी थ्री गिवन है। अब आप समझिए इसको कि हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमारे पास कितना गिवन है, थ्री गिवन है, ओके। अब हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब यूनियन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इंटरसेक्शन की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ओके। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए कितना है 12, ये कितना है 6 और ये माइनस 3, 18 माइनस 3, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 15 एलिमेंट्स हो गए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जो दोनों तीनों प्रॉपर्टीज थी वो फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिएगा, और हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम है ए और बी का, जॉइंट सेट्स का, ठीक है। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हमसे पूछा जाएगा एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, डी मॉर्गन रूल हमने डिस्कस किया है, तो मेरे को बताओ ए डैश यूनियन बी डैश किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए साइन बदल जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और एक पार्ट आपको ये पता है, क्या पता है कि ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है, और ये भी साथ के साथ सीख लें, एन ऑफ ए डैश का मतलब होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए किसके, एन ऑफ ए डैश के, तो उसको किस में से माइनस कर देंगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए में से माइनस कर देंगे। तो इसको ए मान के चले आप, तो ये ए मान लिया तो क्या आएगा, एन ऑफ यू माइनस ए का मतलब है ये कंप्लीट, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश के जो एलिमेंट्स हैं वो इससे आएंगे हमारे पास। देखो एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या करना है, सिर्फ एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। अब देखो यहां पे आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश, इसका डैश का मतलब सारे, इसको छोड़ के सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास कैसे आएंगे, यूनिवर्सल में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा। और दूसरा जब हम बात करेंगे एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो सिर्फ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, जो सेम प्रोसेस है ऊपर वाला वही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। क्या है, एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश है ना, तो एन ऑफ यूनियन में से किसको माइनस करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, इंटरसेक्शन को, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो किसको माइनस करेंगे, यूनियन को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन इसमें, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं हम। इसमें हमसे जो फर्स्ट पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब समझे पहले से। ए डैश वेन डायग्राम में समझ लेते हैं, ए ये ए, ए डैश ये ए हमारे पास पूरा, ए डैश का मतलब है इसके बाहर वाला पोर्शन,
इसके बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन ये बी है, बी भी आ जाएगा, तो ए के बाहर वाला पोर्शन हो गया ना ए डैश, ठीक है। अब बाहर वाला पोर्शन हो गया, अब इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। अब बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे इस ए डैश के बाहर वाले, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएंगे, बी बी के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, यही आएंगे अपने पास, जो बिल्कुल सेडेड कर दिया ना मैंने एरिया, ये हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ये कैसे आएगा इसको हमें समझना, तो आप मेरे को ये बताएं कि हमारे पास जो बी है एन ऑफ बी, उसमें से किसको माइनस करना है, इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। भाई बी है, ये हमारे पास बी है, इसमें से टोटल में से ये वाला पोर्शन क्या कर दें, माइनस कर दें इंटरसेक्शन बी का, तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हमारे पास, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश आए तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी डैश आए तो हम एन ऑफ ए में से किसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो पार्ट आएगा इसको भी समझ लो आप, ये यूनिवर्सल, ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी। अब ये जो बी है, बी का डैश यानी बाहर, बी का डैश का मतलब सारे एलिमेंट्स आ गए ये बी के बाहर वाले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ बी डैश का, तो ए के तो यही एलिमेंट है ना, ये तो पहले ही नहीं आ रहे, तो कौन कौन से आएंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे कॉमन, जो बिल्कुल डार्क एरिया लिया है ना मैंने, रीजन डार्क रीजन, यही एलिमेंट्स आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम ये एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखें, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ एन ऑफ ए 350, एन ऑफ बी 250, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट 700, ठीक है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या कहें एन ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास कितना है 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी 100, ये एलिमेंट्स गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। तो अभी हमने डिस्कस किया है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या होता है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, माइनस एन ऑफ, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, तो क्या आएगा, यूनियन, एन ऑफ ए यूनियन बी, उल्टा हो जाएगा ना साइन, ये हमारे पास आएगा, तो यूनिवर्सल हमारे पास कितना है 700, यूनियन हमारे पास कितना है 100, तो हमारे पास कितना आ गया 600, इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 600, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे क्वेश्चन की, क्लियर हो गया ना, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आएगा ए और बी का। अब यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता, ए यूनियन बी का डैश, तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब हमारे पास इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन फाइंड करने का सबसे पहले फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, तो हमारे पास हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए कितना है 350, एन ऑफ बी कितना है 250, और यूनियन कितना है
100, तो ये हमारे पास कितना हो गया 600 माइनस 100, तो कितना आ गया 500, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल कितना है अपने पास 700, और माइनस यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना है 500, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जितने भी फॉर्मूले बने वेन डायग्राम के थ्रू, और हमें याद रखने हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे चाहे सब्जेक्टिव, हमें ये क्या होने, यूज़ होने, तो इनको बार बार रिवाइज करके इनको याद कीजिए। ओके okay?